माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम सॉल्व करने वाले हैं पोलर फॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, वो देखने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे बदलेंगे इसका। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। वी आर गिवन जेड इज इक्वल टू आई माइनस वन कॉस पाई बाय थ्री। कॉस पाई बाय थ्री मीन्स पाई इज एज आई स्पोक टू यू कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेंगे, तो पाई बाय थ्री आपको मालूम हो गया कि क्या होगा, पाई बाय थ्री 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1 बाय टू प्लस आई टाइम्स साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाय टू। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, आई माइनस वन 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, 2 ऊपर भेज दें आप, 2 आई माइनस 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आई। अब रैशनलाइज कर दें इसे, 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस रूट 3 आई। अगर आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं पोलर फॉर्म के, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने पोलर फॉर्म समझाया हुआ है। 2i इंटू 1 2i माइनस 2i इंटू रूट 3 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 i इंटू i आई स्क्वायर। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 आई अपॉन ए प्लस आई बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आई होल स्क्वायर। तो देखें क्या होगा, 2 माइनस 2 रूट 3 आई स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2 2 आई माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज 3 आई स्क्वायर बीइंग माइनस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4। देखिए माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस, तो आपके पास आएगा 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 प्लस, अब जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को साथ साथ 2i प्लस 2 रूट 3 आई, तो 2 रूट 3 प्लस 2 और i ले लें अपन कॉमन, अपॉन में देखें 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अब इसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 2 और 2 कॉमन ले ले, रूट 3 माइनस 1 2 कॉमन लेने पे अपॉन 4 प्लस 2 कॉमन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 4, 2 से इसे कैंसिल कर दें, 2 से इसे कैंसिल कर दें, तो आपके पास आ गया z इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय 2 आई। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे a प्लस ib से, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाय 2 विच इज ग्रेटर देन 0, b इज इक्वल टू रूट 3 का वैल्यू 1.732 में से 1 माइनस किया तो 0.732 अपॉन 2 पॉजिटिव होगा, रूट 3 प्लस 1 बाय 2, ये तो दिख ही रहा है आपको। तो ये z, इससे पता चला कि z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, z फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बीइंग थीटा बीइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा सॉरी ये जो a और b ग्रेटर देन 0 है एंड थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव है दोनों तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा, और इस क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा। तो अब देखिए थीटा निकालने के लिए क्या तरकीब है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू मोडा बी बाय ए, ये मैंने लास्ट वीडियो में देख लिखा हुआ है, आप नीचे की लिंक में जाएंगे और क्लिक करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट वन, तो आपको ये मिल जाएगा कि ये हम किस तरह से इसका यूज कर रहे हैं। टेन थीटा का वैल्यू होगा मोडा बी बाय ए, बी का वैल्यू देखिए
बी का वैल्यू है, बी इज रूट थ्री प्लस वन बाय टू और ए इज रूट थ्री माइनस वन बाय टू। टू टू आपके मन में आ रहा है कैंसिल करना, बिल्कुल कैंसिल कीजिए। अब इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, रूट थ्री कॉमन ले लें, रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वन बाय रूट थ्री, नीचे से भी रूट थ्री कॉमन ले लें, वन माइनस वन बाय रूट थ्री। अब रूट थ्री कैंसिल, वन प्लस टेन थर्टी डिग्री, वन माइनस टेन थर्टी डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है टेन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। थीटा बीइंग 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये बन गया टेन 75 डिग्री, 1075 डिग्री। और ये लेफ्ट साइड में आप देखिए 10 थीटा, ये थीटा फॉर्मूले का है, तो अगर आपको जमे नहीं तो आप यहां पे अल्फा लिख लो, ये 10 थीटा ये है, तो थीटा का वैल्यू आ गया 75 डिग्री। अब थीटा 75 डिग्री, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी मैंने आपको बताया थीटा फॉर ये नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी क्या होगा थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 75 डिग्री, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को आप पोलर पाई में बदलना चाहते हैं तो पाई में बदल देते हैं, तो 75 डिग्री को पाई में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो जरा समझते हैं 75 डिग्री को पाई में कैसे बदलते हैं। तो 75 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो रेडियन में बदलने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे, तब आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 75 डिग्री है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे और जो जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे। तो सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले सिंपली 5 से दिख रहा है तो 5 से कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल कर दिया हमने, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 3 जा और 5 6 जा, अभी भी कुछ स्कोप बचा है क्या, 3 से कैंसिल करना है, 3 से कर दो, 3 से कर दिया, अब हो गया कैंसिल जितना भी होना था, तो ये हो गया लीस्ट फॉर्म में आ गया 5 बाय 12 पाई या 5 पाई बाय 12। अब ये सारा आर्ग्यूमेंट का काम इस बार पहले कर लिया, तो अब आर की वैल्यू निकालना रह गई। नाउ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट थ्री माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर, ये आ गया आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा थ्री प्लस बी स्क्वायर वन माइनस टू ए बी माइनस टू रूट थ्री इंटू वन अपॉन फोर प्लस ए स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर वन टू ए बी टू रूट थ्री अपॉन फोर। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस फोर एट, तो ये हो जाएगा आपका एट फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर, एट बाय फोर, एट बाय फोर इज टू, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब आ गया आखिरी पे कि पोलर फॉर्म क्या है। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ द नंबर इज ऑफ द जेड इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू रूट टू कॉस थीटा का वैल्यू कितना 5 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 5 पाई बाय
12, ये आ गया आपका क्या, इसका पोलर फॉर्म जो आपके पास नंबर दिया था उसका ये पोलर फॉर्म है, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, ये इसका पोलर फॉर्म है, जेड इज इक्वल टू दिस मच। तो दोस्तों ये था इसका सॉल्यूशन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, टीचर्स इसको बहुत पसंद करते हैं, क्लास 11th का एग्जाम में पूछे जाने वाला टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।